40 प्लस yes. नहीं तो ये एक कंफ्यूजन जरूर बनेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी तरह का एज सीमा का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। अब प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तो जिसके अंदर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये मिनिमम एज है, 25 साल का कोई व्यक्ति अगर होता है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और लोकसभा का चुनाव लड़के वो एमपी बन गया तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। हाँ, अब उसके साथ एक रीजन ये जुड़ता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, चुनाव लोकसभा का होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी आती है वो मेजोरिटी पार्टी ये डिसाइड करती है कि हमारा लीडर कौन, और जो उसका लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट जो इस पे कंडीशन लागू होगा कौन होगा, यही होगा। इसलिए इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि 25 वर्ष के मिनिमम एज में भी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाता है और उसके पास वो किसी बहुमत दल का लीडर बन जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है। ओके, 35 का जो कंडीशन है ये केवल प्रेसिडेंट के साथ है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, गवर्नर के साथ है। क्लियर है? और जो 30 का जो ये कंसेप्ट है ये तो राज्यसभा के मेंबर्स के। अब देखिए इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास आपसे किया जा सकता है, लेकिन आपको होना नहीं। क्या कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया गया कि आपके दिमाग में पहले कुछ और चलाया जाए, ये चलाया जाए, क्वेश्चन ये बनाया जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 30 साल। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति बनने के लिए मिनिमम एज क्या होगा? ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में माइंड गेम खेला जाएगा आपके साथ। ठीक है, माइंड गेम क्या कि पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि सदस्य बनने के लिए 30 साल है, तो कहीं ना कहीं पहला जो आपके ब्रेन में आएगा कि जब सदस्य इस हाउस का सदस्य 30 साल में कोई बन सकता है तो अध्यक्ष भी 30 साल नहीं बनता होगा। 35 पे आप नहीं जाएंगे क्योंकि हमने उपराष्ट्रपति आपने नहीं पूछा, हमने पूछा कि सभापति, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर यहां से आपका क्लियर है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट, हिंदी में कहते हैं पदेन पद, यानी कि जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वही बनेगा राज्यसभा का चेयरमैन। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 साल एज हो सकता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के लिए 30 साल एज नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन कि राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है,